भारतीय समाज में आज भी कई लोग गोरी स्किन वाले लोगों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। टीवी और फिल्मों में दिखने वाले ज्यादातर सुंदर चेहरे गोरे होते हैं। इससे लोग अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि गोरी स्किन वाले लोग ही सुंदर होते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो महिलाओं के प्रेग्नेंट होते ही गोरा बच्चा पाने के लिए उपायों को खोजना शुरू कर देते हैं। वहीं घर की बुजुर्ग महिलाएं भी सुंदर संतान पाने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को कई तरह की चीजों को खाने की सलाह देना शुरू कर देती है। गोरा बच्चा पैदा करने के लिए तरीकों और टिप्स को लेकर के YouTube पर बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं। दुनिया भर की वेबसाइट्स कई तरह के दावे करती हैं, लेकिन बच्चे के जन्म से पहले ही उसके रंग को निर्धारित करने का कोई तरीका रियल में मौजूद है ही नहीं। इससे जुड़ी जो भी बातें आपको सुनने को या पढ़ने को मिलती है, वो सभी एक मिथ है, एक झूठ है, और हमारे समाज में ये झूठ सदियों से अपनाए जा रहे हैं। गोरा बच्चा पाने के लिए किसी भी तरह की चीज को खाने की जगह आपको अपने बच्चे को फुल न्यूट्रिशन प्रदान करने वाले आहार का सेवन करने पर जोर देना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का डाइट चार्ट अपनाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह की चीजें आपके बच्चे की सेहत पर उल्टा असर भी डाल सकती हैं। समाज में गोरा बच्चा पाने के उपाय के लिए लोगों में बहुत ही उत्सुकता है। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोरा बच्चा कैसे पैदा होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन मिथ, उन झूठ के बारे में जो आपको दूसरे वीडियोस में सुनने को मिलते हैं कि ये खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है और ये खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, ताकि आप उन मिथ और झूठी बातों के बारे में जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाइए रोजाना नई नई वीडियोस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी बच्चे का रंग काला या गोरा क्यों होता है। किसी भी बच्चे का रंग काला या गोरा दो रीजंस की वजह से होता है। पहला एक मेलेनिन प्रोटीन है और दूसरा जेनेटिक रीजंस होते हैं। किसी भी पर्सन की स्किन के रंग को निर्धारित करने के लिए मेलेनिन जिम्मेदार होता है। मेलेनिन एक प्रोटीन है जो स्किन की कोशिकाओं द्वारा स्किन की निचली परत पर बनता है। ये प्रोटीन निकलकर स्किन की ऊपरी परतों में जमा होता है, तो इससे स्किन का रंग गहरा यानी काला होने लगता है। कम मेलेनिन की तुलना में ज्यादा मेलेनिन वाले पर्संस की स्किन सांवली या काली होती है। स्किन के अलावा मेलेनिन आपकी आंखों और बालों के रंग को भी निर्धारित करने का काम करता है। कई एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इस तंत्र का उपयोग सूरज की यूवी किरणों से शरीर को बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि मेलेनिन सूरज की नुकसान देने वाली किरणों को स्किन के गहराई तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं उनमें सूरज की किरणों के कारण मेलेनिन ज्यादा जमा हो जाता है। वहीं जिन क्षेत्रों में सूरज की नुकसान देने वाली यूवी किरणें कम आती है, उन क्षेत्रों में लोगों में मेलेनिन का स्तर कम होता है। और यही रीजन है कि गर्म इलाकों में ज्यादातर लोग काले होते हैं, क्योंकि वहां पर मेलेनिन ज्यादा होता है, और ठंडे इलाकों में ज्यादातर लोग गोरे होते हैं, क्योंकि वहां पर मेलेनिन का लेवल कम होता है। बच्चे के काला या गोरे होने का दूसरा रीजन होता है जेनेटिक रीजन। इंसान के शरीर में प्रोटीन द्वारा मैन्युफैक्चर एंड कंट्रोल की जाने वाली सभी चीजें जेनेटिक बेसिस पर तय होती है। यही तरीका मेलेनिन के लिए भी लागू होता है। जीन्स में पर्सन की स्किन का रंग दो तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। पहले में अगर जीन्स की मदद से बनने वाला एंजाइम, जिसको ट्रोसिनेज के नाम से भी जाना जाता है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए और इसके बनने में बाधा होने लगे, ऐसी सिचुएशन में मेलेनिन का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि टायरोसिन से मेलेनिन में बदलने का ये प्रोसेस आखिरी होता है। इससे स्किन में कोई भी रंग नहीं आ पाता है और स्किन में रंगहीनता संबंधी रोग हो जाते हैं। दूसरा, जीन माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, जबकि IVF यानी आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ एग फर्टिलाइजेशन में बच्चे को माता पिता से मिलने वाले जीन में चेंजेस हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता से मिले जीन्स मेलेनिन को निर्धारित करते हैं। चलिए हम बात करते हैं गोरा बच्चा पैदा करने के उपायों के बारे में, उन मिथ और उन झूठ के बारे में जो आपको आजकल बहुत ज्यादा देखने या सुनने को मिलते हैं। मिथ नंबर वन, केसर वाला दूध। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का केसर वाला दूध पीना एक नॉर्मल बात होती है। आप इसको अपने और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए पी सकती हैं, लेकिन अगर आप गोरा बच्चा पैदा करने के उपाय के तहत केसर वाला दूध पी रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये मात्र एक मिथ है, झूठ है। लोगों का ये मानना है कि केसर वाला दूध पीने से पैदा होने वाले बच्चे और उसकी माँ का रंग गोरा होता है। इसी कारण महिला के प्रेग्नेंट होते ही आस पड़ोस की महिलाएं उनको केसर वाला दूध रेगुलर पीने की सलाह देने लगती है।
जबकि प्रेगनेंसी के दौरान केसर को ज्यादा मात्रा में लेने से गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए गोरा बच्चा पैदा करने के उपाय में केसर वाला दूध पीने से बचना चाहिए। अगर आप बच्चे की सेहत के लिए केसर वाला दूध पीना चाहते हैं तो इससे पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी निश्चित मात्रा के बारे में पूछ लेना चाहिए। मिथ नंबर 2, देसी घी। प्रेगनेंसी के दौरान देसी घी खाने की सलाह कई डॉक्टर्स देते हैं। डिलीवरी के समय किसी तरह की प्रॉब्लम से बचने और दूसरे खराब वसा युक्त तेल से दूर रहने के लिए डॉक्टर प्रेग्नेंट महिला को देसी घी खाने की सलाह देते हैं। कई महिलाएं गोरी संतान पाने के लिए भी देसी घी का इस्तेमाल करती है, जबकि इसके इस्तेमाल से गर्भ में पल रहे बच्चे के रंग पर कोई असर नहीं होता है। देसी घी खाने से आपके बच्चे को पूर्ण पोषण मिलता है, लेकिन इस उपाय को इसके गोरे होने का कारण मान लेना बिल्कुल गलत है। गोरी संतान की इच्छा के कारण देसी घी का ज्यादा सेवन करना एक झूठ है। मिथ नंबर 3, संतरा खाने से गोरा बच्चा पैदा होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं ने अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं से इस बात को सुना ही होगा कि संतरा खाने से होने वाले बच्चे का रंग गोरा होता है। इस बात को सच मानकर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं संतरे का सेवन करना शुरू कर देती है। प्रेगनेंसी के दौरान संतरा खाने से महिलाओं के शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती है। इसके अलावा इससे उनकी स्किन सेहतमंद होती है। इतना ही नहीं, संतरे का सेवन करने से इम्यून सिस्टम भी काफी स्ट्रांग होता है, जिससे प्रेग्नेंट महिला को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। संतरा खाने से महिलाओं को गर्भकाल में होने वाले कब्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। इतने फायदों के चलते अपनी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं संतरे का सेवन कर सकती है, संतरा खा सकती है, लेकिन संतरे को गोरा बच्चा पाने का तरीका मान लेना बिल्कुल गलत है। संतरे के इस्तेमाल करने से गोरा बच्चा पैदा होता है, इस बात की पुष्टि किसी भी मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं मिलती है। मिथ नंबर 4, नारियल खाने से गोरा बच्चा पैदा होता है। गोरा बच्चा पैदा करने के तरीकों में नारियल के सेवन को शामिल किया जाता है। गोरा बच्चा पाने की चाह रखने वाली प्रेग्नेंट महिलाएं इस उपाय को जानने के बाद रेगुलर रूप से नारियल की गिरी और नारियल का पानी इस्तेमाल करने लगती है। नारियल के सेवन से बच्चा गोरा पैदा होता है, ये बात कहीं से भी सिद्ध नहीं होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नारियल की गिरी या नारियल का पानी सेवन करने से आपका शरीर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचा रहता है। साथ ही गर्मी के मौसम में आपके शरीर का तापमान नॉर्मल बना रहता है। नारियल का सेवन करने से आपको जिम चलाना, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन अगर नारियल के पानी या नारियल का इस्तेमाल करने से बच्चे का रंग गोरा होता है, ये बात सही होती, तो फिर उन लोगों के सभी बच्चे बहुत ज्यादा गोरे होते जहां पर नारियल की बहुत ज्यादा खेती होती है और उन लोगों का खाना पीना सब नारियल ही होता है, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा काले बच्चे पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, ये भी एक मिथ है। मिथ नंबर 5, सौंफ खाकर गोरा बच्चा पैदा होता है। गोरा बच्चा पैदा करने के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं उसमें सौंफ के इस्तेमाल को भी शामिल किया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के द्वारा सौंफ खाने या सौंफ का पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होता है। सौंफ को पानी में उबालकर सुबह पीने से प्रेग्नेंट महिलाओं को जी मचलाने की प्रॉब्लम से राहत मिलती है, लेकिन सौंफ के इस उपाय का असर बच्चे के रंग पर नहीं पड़ता है। इस उपाय को गोरा बच्चा पाने का तरीका मान लेना एक भ्रम है, एक झूठ है। मिथ नंबर 6, अंडा खाने से गोरा बच्चा पैदा होता है। गोरा बच्चा पैदा करने के लिए कई प्रेग्नेंट महिलाएं अंडे का इस्तेमाल करती है। समाज में लोगों का ये मानना है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद महिलाओं को रोजाना अंडे का सफेद भाग खाना चाहिए, इससे गोरा बच्चा पैदा होता है। ये बात सच है या झूठ, इस पर कुछ भी कह पाना गलत होगा, लेकिन प्रेगनेंसी में अंडों का इस्तेमाल करने से महिला को प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन जैसे कई न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही अंडे के सेवन से बच्चे के विकास में भी सहायता मिलती है, मगर इसको गोरा बच्चा पाने का उपाय मानना एक मिथ है, एक झूठ है। मिथ नंबर 7, बच्चा गोरा होने के लिए बादाम का इस्तेमाल। प्रेगनेंसी में बादाम और दूसरे सूखे मेवे को खाने से महिलाओं को कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। रात में 7 से 8 बादाम को पानी में भिगोकर सुबह उनका छिलका उतारकर दूध के साथ खाने से गर्भ में पलने वाले बच्चे की सेहत पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि बादाम से माँ और बच्चे को प्रोटीन, विटामिन ई और कैल्शियम मिलता है। इन न्यूट्रिएंट्स से बच्चे का दिमाग और तंत्रिका तंत्र सही होता है, लेकिन बच्चा गोरा पैदा करने के लिए बादाम का सेवन करने की सलाह के विषय में कहीं कोई भी फैक्ट मौजूद नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे मिथ है, जैसे कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से गोरा बच्चा पैदा होता है, काले अंगूर को खाने से बच्चा गोरा होता है, प्रेगनेंसी में गाजर का सेवन करने से गोरी संतान पैदा होती है, चकुंदर का जूस पीने से ब्लड प्रेशर सही होता है और इससे गोरा बच्चा पैदा होता है। तो ये सब झूठ है, सब मिथ है। आप चाहे कुछ भी खाएं, उससे बच्चे के रंग पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चे का रंग काला या गोरा सिर्फ 2 रीजन से होता है।
एक तो उसके अंदर मेलेनिन होता है और दूसरा जेनेटिक रीजन होता है, यानी अगर माँ बाप में से कोई गोरा होगा तब उसका बच्चा गोरा हो सकता है, या फिर अगर बच्चे के अंदर मेलेनिन ज्यादा होगा तब बच्चा काला होगा, अगर मेलेनिन कम होगा तो बच्चा गोरा होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बच्चा काला या गोरा क्यों पैदा होता है और बच्चे के गोरा होने के उपाय के बारे में क्या क्या मिथ है। अगर आपकी वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।